देश टीवी की सुर्खिया में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरें सत्रह मार्च की पहले स्थान में, में है बुलेट प्रूफ मंदिर में विराजेंगे राम लला राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लला को अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी दो दिन के अंदर राम लला का अस्थायी फाइबर का मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा विराजमान कराने के लिए राम लला के चबूतरे का निर्माण हो चुका है चौबीस गुना सत्रह फुट के मंदिर में रामलला विराजमान होंगे उस पर दिल्ली से अयोध्या पहुंची बुलेट प्रूफ फाइवर के स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाना है इस दौरान पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ जमीन का शुद्धिकरण कराया जाएगा और नवरात्र के प्रथम दिन 25 मार्च को सुबह चार बजे रामलला अपने नए अस्थायी मंदिर में विराजमान होंगे आज के सूर्खी में दूसरे स्थान पर है सियासी घमासान के बीच सीएम कमलनाथ ने लिखा राज्यपाल को खत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को राज्यपाल को फिर खत लिखा है मुख्यमंत्री ने खत लिखते हुए खेद जताया कि संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करने की उनकी मंशा नहीं थी कमलनाथ ने राज्यपाल को लिखे खत में कहा है कि मैंने अपने 40 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में हमेशा सम्मान और मर्यादा का पालन किया है आपके पत्र दिनांक 16 मार्च 2020 को पढ़ने के बाद मैं दुखी हूं कि आपने मेरे ऊपर संसदीय मर्यादाओं का पालन न करने का आरोप लगाया है मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी फिर भी यदि आपको ऐसा लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ शाहीन बाग में महिलाओं के लिए लगाया गया तख्त पहले दिल्ली दंगा और अब कोरोना वायरस के दहशत में शाहीन बाग का धरना अपने चौरानवे दिन में प्रवेश कर गया अंतर इतना है कि बैठने की जगह पर करीब सौ लकड़ी की चौकिया लगाई गई हैं आयोजकों ने हर एक पर सिर्फ दो लोगों को बैठने को कहा है एहतियात के तौर पर बुजुर्गों ने मास्क लगाया है और बच्चों को प्रदर्शन स्थल से दूर रखने को कहा गया है ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 50 के से ज्यादा लोगों के जुटने वाले आदेश को न मानने की बात कही है एहतियात के तौर पर दो मीटर की दूरी पर करीब सौ तख्त लगाया गया है आज की सुर्खी में चौथे स्थान पर है मुंबई में विदेश से आने वाले मुसाफिरों पर नजर कोरोना से तीसरे शख्स की मौत का मामला सामने आया है मुंबई के अस्पताल में चौंसठ साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है देश में कोरोना वायरस के मामले में एक तक पहुँच गए हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है कोरोना से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने खास तैयारी की है इसके तहत विदेश से आने वाले मुसाफिरों पर सरकार की सख्त नज़र है सरकार ने कहा है कि जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उनके हाथ पर मोहर लगाई जाएगी यह ठप्पा विदेश से लौटने वाले हर भारतीय को लगानी होगी ताकि उनका ख्याल रखा जा सके और लोग भी अलर्ट रहें इस मोहर में लिखा है प्राउड टू प्रोटेक्ट मुंबई कर होम क्वारंटाइन तीस मार्च दो आज के शुरुओं में पाकिस्तान पर पूर्व सी रंजन गोगोई का बयान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से सोमवार देर शाम जारी किए गए नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व सीजीआई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के राज्यसभा भेजे जाने की खबर के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई है राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब रंजन गोगोई ने कहा है कि वह शपथ ग्रहण के बाद इसका जवाब देंगे आज के सुर्खियों में छठे था स्थान पर है कोरोना वायरस पर राहुल गांधी ने जताई चिंता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में आर्थिक सुनामी जैसे हालात हैं संसद के भीतर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है यह बहुत दर्दनाक है सुनामी आ रही है सुनामी आने से पहले पानी चला जाता है जब पानी चला जाता है तो लोग मछली लेने जाते हैं और इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो जाते हैं मैं इसे बार बार कह रहा हूं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है राहुल ने कहा कि सिर्फ कोविड 19 ही नहीं बल्कि आर्थिक मुद्दे पर भी हमें तैयार रहना होगा आज के सूची में राजस्थान स्थान पर है जीएसटी का फायदा नहीं पहुंचाने के मामले में रामदेव की पतंजलि पर लगा जुर्माना जीएसटी की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने का आरोप बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना लगाने की खबर आई है खबर के मुताबिक जीएसटी में कमी का फ़ायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने और सामान का रेट ज़्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर पचहत्तर करोड़ आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है एन ने कहा है कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम मिला है कि टैक्स में कटौती का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचे आज की सुर्खियों में आज स्थान पर है 31 मार्च तक गंगरेल में वाटर स्पोर्ट बंद कोरोना वायरस का असर अब भारत में भी दिखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार भी इस वायरस से बचाव के कड़े कदम उठा रही है इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने धमतरी के गंगरेल वाटर स्पोर्ट्स को आगामी इकतीस मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है सरकार द्वारा आदेश के मुताबिक गंगरेल बांध में कोई भी बोटिंग या जल क्रीड़ा नहीं की जा सकेगी ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण है जो वीकेंड्स या छुट्टी के दिन गंगरेल की सैर के लिए योजना बना रहे हैं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ हाट पंडरी रायपुर में आयोजित होने वाले जगार प्रदर्शनी को सरकार ने स्थगित कर दिया है आज के सुर्खियों में नौ स्थान पर है कोरोना के चलते दिलीप कुमार को आइसोलेशन में रखा गया कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है देश भर में भी अभी तक एक मामले सामने आ चुके हैं वहीं महाराष्ट्र में इसके मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे में गुजरे जमाने के एक्टर दिलीप कुमार की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा जा रहा है इस बात की पुष्टि खुद दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से की गई है उनकी पत्नी सायरा बानो ये पूरी कोशिश में लगी है कि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन इस दौरान ना हो आज की सूखी में दस स्थान पर है आईपीएल को लेकर खिलाड़ियों से जबरदस्ती कर रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में फैला है सभी तरह के खेल आयोजनों पर इसका गहरा और व्यापक असर देखने को मिला है ऐसे में जबकि आईपीएल के तेरहवें सीजन के आयोजन को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है सभी आठों फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने प्री टूर्नामेंट कैंप रद्द कर दिया है और खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया है हालांकि क्रिक ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम आगे जाकर खिलाड़ियों को आई में खेलने से रोकने के लिए जबरदस्ती करने का मन बना लिया है रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा है ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपडेट के लिए बेल आइकॉन का दबाए रिपोर्ट यू डिसाइड